तो भाई के सुख मैं आज बताऊंगा किस तरीके से आप जो कि मोबाइल से ब्लॉगिंग कर सकते हैं और मोबाइल के माध्यम से जो कि कैसे आप जो कि यहाँ पे सक्सेस हो सकते हैं। देखिए, अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर जुनून है, अगर आप जो कि काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बहुत ही, अगर हम बात करें एक मिडिल क्लास की फैमिली से अगर आप बिलोंग करते हैं और चाहते हैं कि आप घर से ही कुछ करें और आपके पास कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, तो आप मोबाइल से ही अगर आप जो कि ब्लॉगिंग को करना चाहते हैं तो क्या आप कर पाएंगे? क्या इस मोबाइल के ज़रिए आप जो कि यहाँ पर ब्लॉगिंग करियर को आप आगे ले जा सकते हैं? क्या इसके माध्यम से इनकम हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी? ये सारे जो सवाल हैं आपके माइंड में, उसके मैं आंसर दूंगा। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मोबाइल से ब्लॉगिंग करके कौन कौन अभी तक जो कि यहाँ पे सक्सेस हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं जो जिन्होंने, अगर हम बात करें अपनी ब्लॉगिंग करियर की शुरुआत जो कि एक मोबाइल फ़ोन से की थी, और यहाँ पर कोई, अगर हम बात करें, एडवांस मोबाइल फ़ोन नहीं था, एक बेसिक सा मोबाइल फ़ोन होता था एंड्रॉयड का। पहले अगर हम बात करें 500 MB का, अगर हम बात करें उसका कैपेसिटी होता था, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1 GB रैम वाले, 2 GB रैम वाले, इनफैक्ट अगर हम बात करें 12 GB रैम वाले यहाँ पे आ चुके हैं। तो वो सारी चीज़ें लोग जो है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर जो है कि 500 MB वाले जो है कि यहाँ पे मोबाइल से अपनी ब्लॉगिंग करियर की शुरुआत किए थे और आसानी से वो कर भी पा रहे थे। देखिए, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होता है, मतलब आज के डेट में जो हमारे पास स्मार्टफोन है, जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे स्मार्टफोन अभी तक आ चुके हैं, उसके माध्यम से अगर हम बात करें आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हम वहाँ पर करते हैं वही चीज़ें तो यहाँ पर भी होती है। बस प्रॉब्लम ये होता है कि हमें स्क्रीन जो है कि थोड़ा सा छोटा दिखता है और कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो कि सपोर्ट नहीं करती हैं, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा है। मैं भी जो है कि वर्डप्रेस पे काम कर रहा हूँ, मैं भी जो कि कई बार मोबाइल से लॉगिन करके देख लेता हूँ, चेक करता हूँ, तो हर एक चीज़ प्रॉपर काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, और अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो मोबाइल से भी कर सकते हैं, आर्टिकल लिखना चाहते हो तो मोबाइल से भी लिख सकते हैं, अगर आप आर्टिकल नहीं लिखना चाहते, इमेजेस वाली वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो भी आप मोबाइल से कर सकते हैं। सब कुछ पॉसिबल है मोबाइल से आज के डेट में करना। तो अगर आपके अंदर टैलेंट है और चाहते हैं कि कुछ करना, और अगर आप जो कि एक्सक्यूज़ लेंगे कि मैं इससे नहीं कर पाऊँगा, मेरे को कंप्यूटर चाहिए, वो चाहिए, ऐसे, तो मैं आपको बता दूँ आपके जानकारी के लिए कि बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं, मतलब हज़ारों लाखों ऐसे ब्लॉगर हैं जिन्होंने मोबाइल फ़ोन से ही अपनी ब्लॉगिंग जर्नी की, अगर हम बात करें, शुरुआत की थी। तो आप भी कर सकते हैं बिना कुछ सोचे, और मोबाइल से आप जो है कि लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं। एक ऐसा ब्लॉगर था जो कि, अगर हम बात करें, पढ़ाई भी करता था, स्टूडेंट था, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अभी उसकी अर्निंग आप देखेंगे तो 4 से 5 लाख पर मंथ की इनकम वो करता है। कभी अगर हम बात करें, कभी बात होगी, फिलहाल मैं कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कभी बात हुई तो मैं आपके साथ में लेके आऊँगा, शेयर भी करूँगा, उसकी जो भी चीज़ें हैं, स्टोरी है, वो सारी चीज़ें शेयर करूँगा। वो मोबाइल से ही उन्होंने स्टार्ट किया था, मोबाइल से ही आज बहुत ही अच्छी पोजीशन पर वो पहुँच चुके हैं। और मोबाइल से थोड़ा डिफ़िकल्टी होता था, मतलब क्या होता था, टेम्पलेट को एडिट करने में, जैसे कि मान लीजिए आप blogger.com पे काम करें तो जो टेम्पलेट है उसको एडिट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, और उसमें मतलब जो HTML कोडिंग होती है वो सारी एडिट बहुत जल्दी नहीं होता है, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और कई बार तो कॉपी पेस्ट करने में भी दिक्कत आती है, लेकिन ये कंप्यूटर से ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये जो जो चीज़ें उन्होंने फेस की है वो मुझे उन्होंने बताया, वही सारी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। और इनफैक्ट अगर हम बात करें तो मैंने भी मोबाइल से शुरुआत की थी, लेकिन मोबाइल से ज़्यादा दिन मैंने ही काम किया था, कुछ दिन तक मैंने काम किया, मतलब कुछ महीने तक काम किया था, 2-4-6 महीने तक, उसके बाद जो है कि मुझे बोरिंग फील हो रहा था, और मोबाइल से आप काम करेंगे तो 100% आपको बोरिंग फील होगी, आपको ऐसा लगेगा कि मतलब क्या कर रहा हूँ, पता नहीं इससे सक्सेस होऊंगा कि नहीं होऊंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी चीज़ें बोरिंग फील होती है। लेकिन ये चीज़ें नहीं सोचनी है, मोबाइल से ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। आज जो कंप्यूटर से आप कर रहे हैं वो चीज़ें मोबाइल से भी पॉसिबल है, लेकिन स्क्रीन का बस यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि ये छोटा स्क्रीन होता है, वो बड़ा स्क्रीन होता है। कुछ चीज़ें जो कि हम जल्दी कर पाते हैं कंप्यूटर पे, और कुछ चीज़ें अगर हम बात करें मोबाइल से अगर हम करने जाएं तो बहुत ही स्लोली होता है, मतलब हम चाह के भी उसे फास्ट नहीं कर पाएंगे, बहुत स्लो होता है। तो ये चीज़ें अगर हम बात करें डिफरेंट है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मोबाइल से लोग आज भी 50,000-60,000 महीने के कमा रहे हैं, आज भी वो लोग कंप्यूटर नहीं लिए हैं, आज भी लोग जो कि टेलीग्राम का यूज़ कर रहे हैं, आज भी लोग जो कि व्हाट्सअप का यूज़ करके जो कि इनकम कर पा रहे हैं, लेकिन ट्रिक हैं, तरीके हैं इन सब को यूज़ करने का, इन सब के अलग अलग आइडियाज़ हैं जो कि मोबाइल से की जा सकती है। आज भी लोग जो कि शेयर चैट का आपने नाम सुना होगा, उससे लोग इनकम कर रहे हैं, मोबाइल से ही तो कर रहे हैं ना, शेयर चैट किस में इंस्टॉल होता है, शेयर चैट जो कि कंप्यूटर में तो होगा नहीं, तो मोबाइल से ही लोग कमा रहे हैं ना। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारी अगर हम बात करें लोगों की एक्सपीरियंस है जो कि लोग अभी कर रहे हैं, लेकिन आज के डेट में जैसे जैसे आपके पास पैसा आने लगता है, जैसे कि मान लीजिए ब्लॉगिंग आपने शुरुआत किया, एडसेंस अप्रूवल लिया, सब कुछ किया, सेम जैसे हम एडसेंस अप्रूवल लेते हैं यहाँ पे, वैसे ही यहाँ पे भी होता है। तो आपने एडसेंस अप्रूवल लिया, सब कुछ किया, उसके बाद कंटेंट आपको देने होते हैं, जितना आपने कंटेंट दिया, जितना ज़्यादा ट्रैफिक आया, जितना ज़्यादा आप इनकम करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होता है, उसके बाद जो कि आप कंप्यूटर पर जा सकते हैं, आसानी से कंप्यूटर से ऑपरेट कर सकते हैं। बस डिफरेंस यही है कि
कि कंप्यूटर पे थोड़ा सा इजी हो जाता है, हमें काम करने में बहुत ही इजी पड़ता है, कॉपी पेस्ट करने में, कुछ भी चीज़ें करने में, कोई ट्रिक है उसको यूज़ करने में बहुत ही इजी पड़ता है। लेकिन मोबाइल पे ये इजी नहीं होता है, मोबाइल पे हमें ज़्यादा समय देना पड़ता है, ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। कई बार जो कि एक मिस्टेक हो गया, एक HTML गायब हो गया, कुछ कोडिंग वगैरह मिस्टेक हुआ तो सब के सब चला जाते हैं, मतलब हमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है, कंप्यूटर में हम बैकअप करके रख लेते हैं, कॉपी करके रख लेते हैं, कहीं दूसरे जगह रख लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्टी लगता है, बोरिंग लगता है, मतलब स्टार्टिंग में आपको बोरिंग फील होगा। लेकिन अगर आपके अंदर जुनून है, आप करना चाहते हैं, कुछ टैलेंट है, आप बनना चाहते हैं कुछ, तो 100% आप मोबाइल से भी शुरुआत कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है आपको कंप्यूटर की, आप आसानी से मोबाइल से कर सकते हैं। उसके बाद जैसे पैसा आने लगेगा आप जो कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। सो ये वीडियो कैसा लगा आप जो कमेंट करिए, हम मिलेंगे नेक्स्ट में बात करेंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।